नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। गांधीनगर पुलिस ने एक चोरी के मामले को सुलझाया है और जानकारी ये मिली है कि जो चोरी की हुई संपत्ति थी लगभग कोई 2 लाख के करीब, वो भी रिकवर कर ली है। ये हैरान करने वाले मामले हैं। पिछले कुछ समय से लगातार चोरी के मामले जो है जम्मू कश्मीर में आप देखें तो, खासकर जम्मू में देखें तो चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इन पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरह से ऐसा लगता है नाकाम हो रही है, लेकिन फिर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान जी फोन लाइन पर। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो गांधीनगर पुलिस की तरफ से चोरी का मामला सुलझाया गया, इसकी क्या जानकारी है, कब चोरी हुई थी? देखिए दीपक जी, 11 जनवरी को पुलिस को एक शिकायत आई थी जी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था। इसमें एक ऑटो चोरी हुआ था जो कि ऋषि पाल सिंह आरओ नानक नगर का था जी। उसने अपने घर के बाहर ऑटो खड़ा किया था, वहां से चोरी हो गया था। अच्छा, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच के लिए टीमों का गठन किया गया जी। इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध को पकड़ा, जिनमें से एक संदिग्ध ने कबूल लिया कि उसने ही ऑटो चुराया था। हाँ, उसके डिस्क्लोजर पर पुलिस ने 2,18,000 कीमत की ऑटो की है उसे बरामद कर लिया। अच्छा, 2 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। हाँ, चोर की पहचान सन्नी कुमार के ये तालाब तिल्लो का रहने वाला है। तालाब तिल्लो का रहने वाला चोर जी, इसने इसके इलाके से इसके घर के बाहर से इसका ऑटो चुराया था। अच्छा, पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही बाकी बातों का पता चलेगा कि और कितनी वाहनों की चोरी में शामिल रह चुका है या इसने पहली बार ऐसा किया था। अच्छा, मतलब ये सन्नी जो है इसने ऑटो चोरी कर लिया था घर के बाहर से ही। घर के बाहर पार्क था, मतलब उसने पार्क किया हुआ था ना ऑटो। अच्छा, तो उसने खड़ा किया होगा रात को, ये रात को आया चोरी करके ले गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। मामले की सीसीटीवी को खंगाल लेगी और कई तकनीकी जगहों से जांच करने के बाद पुलिस आखिरकार चोर तक पहुंच गई और चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ये पहली चोरी है इसकी या इसने पहले भी कुछ चोरी की है। बाकी बातों का पता पूछताछ के बाद ही चलेगा कि और कितनी चोरियों में ये मुलव्वस है जी। जी, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें, चोर जो है वो कितने शातिर चोर हैं। इन लोगों ने, ये लोग जो है चोरी देखो कैसे कर रहे हैं, बाइकें उड़ा के ले जाते हैं, ऑटो ही उठा के ऑटो चुरा के ले गए हैं और अब बरामद किया गया है। आप सोचेंगे 2-2.5 लाख रुपए की किसी की गाड़ी है, संपत्ति है उसकी, कितनी मेहनत से खून पसीना करके उसने ये ऑटो खरीदा होगा और चोरों ने पलक झपकते ही चोरी कर ली। कुछ मिनट भी लगाते हैं ये लोग, ज्यादा 5 मिनट लगा लेंगे, 10 मिनट लगा लेंगे, तुरंत ही गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी, सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो जाए तो भी नहीं पकड़ में आते हैं। अपनी आइडेंटिटी इस तरह से रखते हैं कि वो पहचान ना पाए कि ये शख्स है कौन। शायद बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ये लोग काम करते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैमरे में किस तरह की आनी चाहिए, ये सब भी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन गांधीनगर पुलिस की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया है और संपत्ति जो गाड़ी थी वो भी रिकवर कर ली गई। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।